स्टेज ते विराजमान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब एडवोकेट धामी जी, मजीठिया साहब, माझे की समुची पार्टी की लीडरशिप, इलाके के कोने कोने तो आए पतवंते सज्जनों, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहले मैं अज की शुभ दिहाड़े की सारयां नूं लख लख वधाई दिंदा। हर साल इस शुभ दिहाड़े ते आपां कट्ठे होंने हैं, विचारां करदे हैं, इतिहास नूं सुणदे हैं, पर फिर वापस चले जाने हैं। जेड़ियां कौमां अपने इतिहास नूं सुन के उहदे ते कोई सिखण गियां, उही कौमां अगे वधदियां। खालसा जी, अज जो मैं गल्लां करना चाहुंना तुहाडे नाल, मैं चाहुंना कि अज शाम नूं तुसीं घरे जाके इहदे ते विचार जरूर करियो, क्योंकि जे विचार सीरियसली करांगे तां ही आपां सही राह ते चल पावांगे। मैथों पहले हुणे मजीठिया साहब ने जिक्र किया क्रिश्चियन भाईचारे बारे कि मणिपुर विच किवें हजारां क्रिश्चियन भाईचारे दियां बीबियां मावां नाल किवें जुल्म होया, किवें कतलेआम किया गया, उन्हां दे मगर कोई आवाज नहीं उठाउण नूं कोई सी। उवें ही मुस्लिम भाईचारे नाल नूह विच किवें धक्का होया, या तुसीं अखबारां च पढ़ते रहने हो यूपी विच जां कई सूबियां विच, पर कोई आवाज उठाउण वाला नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों दियां कोई जथेबंदियां नहीं। अपना खुशकिस्मत है कि अपने बुजुर्गों ने एक अपनी धार्मिक जथेबंदी कौम नूं गुरु नाल जोड़न वास्ते, गुरु घरां दी सेवा करन वास्ते 102 साल तकरीबन पहले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी गठन कीता। अज जिथे भी हिंदुस्तान विच या दुनिया विच किसे सिख भैन भरा नूं कोई मुश्किल का सामना करना पैंदा, ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अगे आके आउंदी है सेवा करन वास्ते ते साथ देन वास्ते। जदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई उदों ही उस टाइम की अपनी लीडरशिप ने देखा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कामयाब रखने वास्ते, उहदी ढाल बनने वास्ते जे कोई दुश्मन सामना करन टकरा करन, एक सियासी पार्टी चाहीदी है, सियासी ताकत चाहीदी है, ते उह सियासी ताकत दा जन्म होया उन्होंने श्रोमणी अकाली दल बनाया। अज तुसी देख लो किते भी अपने सिख भैन भरा नूं कोई समस्या आउंदी है, अकाली दल की लीडरशिप पहुंच जाती है, वर्कर पहुंच जाते हैं। हुणी सिक्किम विच कोई गुरु घर की समस्या आई, उन्होंने मैनू टेलीफोन किया, मैं नाल दे नाल चीफ मिनिस्टर नूं कीता ते हल कराया। अपने सिख भैन भरावां नूं यूपी विच जमीना जड़ियां वोंदे सी वो जमीना वापस लैन लगे सी, मैनू टेलीफोन आया, असी डेलीगेशन लैके यूपी चीफ मिनिस्टर नूं मिले ते वो मसला हल किया। ए जे मैं हजारां चीजां दस सकदा,
पर आप कदर करते ही नहीं अपनी जथेबंदी की। आपां अपने आप दे दुश्मन बने बैठे हैं, अपनी ताकत नूं कमजोर कर लगे हैं। खालसा जी एक गल तुसी जरूर याद करो, जो घरे जाओगे बाबरी मस्जिद ते हमला बीजेपी ने कराया, किन्ने साल हो गए एक मुसलमान बीजेपी नूं वोट नहीं पाउंदा। इत्थे दरबार साहब ते टैंकां तोपां नाल हमले होए, अपने हजार हजारां भैण भरावां दा कतलेआम होया, जिथे अपना भैण भरा हिंदुस्तान सी उहनूं कढ़िया गया, मारिया गया, लुटिया गया। ते अपने उहदे बाद दो तीन बार कांग्रेस की सरकार बनाती तुसीं, पर आपां अपने आप नूं की कहने हैं, खोट अपने च है कि बाहर दे च है? आपां नूं कोई मारदा है, आपां भज के सरोपे पाउण लग जांदे हैं। आ जिहड़ी बीमारी कल्ले अपनी कौम च ही है, बाकी सारी जगह ते उह इक अपने अपने पक्के है। किते कोई सोच सकता यार वोट पाउणी कांग्रेस नूं, ते आपां स्टेजां ते चढ़ के बार बार उहनां नूं वोटां पाउणे आ। आ जिहड़े जिन्ने कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, हुण जिहड़ा भी आउंदा है तुसीं उहनां दे भाषण सुन लो, कल्ले अकाली दल दे खिलाफ बोलदे आ, अकाली दल दे खिलाफ बोलदे आ, अकाली दल दी लीडरशिप दे खिलाफ बोलदे आ। क्यों? उहनां नूं पता है जे सिख कौम नूं खत्म करना है, कमजोर करना है, थोड़ी ताकत नूं कमजोर करना है, अकाली दल नूं कमजोर कर दिओ, उह कामयाब हो रहे हैं। आपां उहनां दे खिलौने बनी जांदे हैं। हुण मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा हां, थोड़े एक पार्टी के खिलाफ बड़ा प्रचार किया गया, नशे का प्रचार किया गया जी, अकाली सरकार ने नशा वकाया। हुण मजीठिया साहब के खिलाफ नशे का झूठा प्रचार किया गया, आप गल सारे कह लग गए। आ देख लो 7 साल हो गए, हुण तां साडी सरकार नहीं, 5 साल कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा, एक चीज नहीं कर सकिया। आ 2 साल इन्हां दे हो गए, एक चीज नहीं कर सकिया। कल्ले मजीठिया साहब दे नहीं, किसी भी अकाली वर्कर दे लीडर दे नाम दसो, ते उदों की प्रचार झूठा गल्लां च। अज कांग्रेस दे टाइम अपने समय तो दुगना सी, अज तां नशा 10 गुना वध गया कि नहीं दसो। आ जिहड़ा गवर्नर दा रौला की है मुख्यमंत्री नाल, जिहड़ा पंजाब दा गवर्नर दा रौला की है, पंजाब दे गवर्नर नूं कोई चिट्ठी लिखी किसी ने कि सरकारी ठेकियां ते नशा वेचिया जा रहा है लुधियाने विच, सरकारी शराब दे ठेकियां ते नशा वेचिया जा रहा है। इन मुख अपने गवर्नर ने लिखिया मुख्यमंत्री नूं की जांच करन वास्ते, मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिता, क्योंकि रले सी सारे। गवर्नर ने की कीता, सेंटर दी एक एजेंसी है जेड़ी नशा पूरे हिंदुस्तान चेक करती है, ते नेशनल नारकोटिक्स दी ब्रू हैगा एजेंसी, ओदी ड्यूटी लाई। जो उन्होंने छापे मारे लुधियाना शहर दे 66 ठेकियां उत्ते चिट्टा बिकदा, उन्होंने फड़िया चिट्टा 66 ठेकियां ते, कल्ले लुधियाने शहर दे। ते हुण मुख्यमंत्री ने की कीता, उन्होंने सील कीते, आम आदमी पार्टी सरकार ने वो फिर तो खोल दिते है। तो नशा बकाउंदा कौन है? आ सारे इन्हां दे लीडर महीना लई रखे है, महीना लैंदे है। आ
ਜਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਕਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਆਪਦੇ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੇ 102 ਸਾਲ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਿਹਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਆ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਂ ਹੈ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋਚਿਓ, ਪਿਛਲੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ 6-7 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ 1 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ? 1 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ? 1 ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਵੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, SGPC ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ DNA ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿਤੇ? ਅੱਜ 8-10 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ SGPC ਦੇ ਵਰਕਰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ? ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗਾਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਰੇਤਾ 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 ਰੇਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਤੇ ਦੇ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਦੱਸਿਓ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਰੇਟ? ਆ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੇਤੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 7 ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ ਫੁੱਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਭਾਜਾ ਕੁਛ, ਅੱਜ 50-50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਗੁਣਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ।
क्यों? क्योंकि आपां जिहड़ा झूठ बोलदा उहदे अखे ज्यादा लगदे आ, जिहड़ा सच बोलदा उहदे घट अखे लगदे आ। हुण कई जथेबंदियां किसानी की गल कर लग जांदी आ, उन्हां जथेबंदियां नूं पुछो किसानी वास्ते तुसीं कीता की है। जे सही मैने ते जे देश विच कोई किसानां दी जथेबंदी है वह है श्रोमणी अकाली दल। जे सही मैने ते खेत मजदूरां दी, गरीब दी, व्यापारी दी जथेबंदी है, आम जनता दी जथेबंदी है वह श्रोमणी अकाली दल है। ते थोनू गाला कढ़दे सी जी, थोड़े दे उत्ते जी मैनूं याद है घेरा पाउंदे सी। मैं पूछना चाहना है जिहड़े किसान वीर बैठे है, जिहड़े खेत विच थोड़ा ट्यूबवैल तां सारयां दे लगे इत्थे, थोनू ट्यूबवैल दा कनैक्शन किहने दित्ता? अपने बजुर्गां तों जाके पुछ लो। कल्ले कल्ले नूं बादल साहब ने दित्ता, अकाली दल दी सरकार ने दित्ता है। वह ट्यूबवैलां दे बिल किहने माफ कीते है? बादल साहब ने माफ कीते है, अकाली दल ने कीते है। आ जड़ियां कसियां नहरां बनियां किने बनाई हैं? अकाली सरकार ने बनाई है। थोड़े मंडियां जड़ियां जथेबंदियां कहंदियां शहर प्राइवेट करके खत्म हो जाणगियां, वह सारियां मंडियां बनाउण वाला अकाली दल है। पिंड पिंड थोड़े फसलों नूं चक्कण वाला अकाली दल है। MSP देश विच लागू कराउण वाला श्रोमणी अकाली दल है। ट्रैक्टरां दे टैक्स लगता हुंदा सी, वो टैक्स खत्म करने वाला अकाली दल है। गरीब नूं आटा दल देने वाला अकाली दल है, शगन देने वाला अकाली दल है, पेंशन देने वाला अकाली दल है, SC भाईचारे नूं पेंशन देने वाला, अपना SC स्कॉलरशिप देने वाला अकाली दल है। जिहड़े लड़कियां नूं साइकल देने वाला पढ़न वास्ते अकाली दल है। नौजवानों खेडों का समान जिम वर्ल्ड कप कबड्डी करवाने वाला अकाली दल है। इन्हां कोले दसो की कीता इन्होंने? आपां फिर भी एक्चुअली आ जिहड़ी बीमारी है ना, कल्ले अपने पंजाब च ही है। अपने तो ज्यादा सियाने गुजरात वाले है। जो मर्जी आ जाए नवा, कोई मर्जी झूठ बोल ले, कहिंदे नहीं अजे तां मोदी नूं ही पाउणी है। अपने तो सियाने ज्यादे दूजे सूबे के हिमाचल वाले। केजरीवाल ने जो गप इत्थे मारे, आई गप केजरीवाल उत्थे मान गया सी, पर उन्होंने गप नहीं मन्ने, कहिंदा सारा झूठ है, झूठा है। ते देखो जे तुसी बचाउणा पंजाब नूं, मैं तुहानूं सही गल ना, थोड़े हाथ च है। असी तां पूरी दिन जिंदगी मेरे पिता ने सेवा कीती, पूरी जिंदगी असी करते रहांगे, पीढ़ी ते पीढ़ी करते रहांगे। पर एक गल याद रखियो, पंजाब नूं बचाउण वाला कल्ला श्रोमणी अकाली दल है, होर सारे मारन वाले है। सारे दिल्ली दियां पार्टियां कोई दर्द नहीं। हुण आ देख लो भगवंत मान बारे हुणी धामी साहब ने की कीता। अज दे शुभ दिहाड़े ते जो बादल साहब मुख्यमंत्री होंदे सी, सारे काम छड़ के इत्थे होंदे सी मत्था टेकन वास्ते, सारे काम छड़ के। ते अज मुख्यमंत्री क्यों नहीं आया? क्योंकि उहदे बॉस जिहड़ा वड्डा बिग बॉस आ उहदा केजरीवाल, उहने बंबई जाना सी। पंजाब सरकार दा जहाज चाहीदा सी जाण वास्ते। जहाज कल्ला मिल सकदा जे मुख्यमंत्री नाल जाए, ते उहनूं लिजाउण वास्ते इत्थे पवित्र स्थान ते नहीं आया। आया थोड़ा मुख्यमंत्री, आ पूरे पंजाब विच हड़हड़ी तबाही होई। मैं पूरे पंजाब दे मैं हर इलाके च गया जिथे बरसातां नाल पानी नाल तूफान अपना नुकसान होया। किते भगवंत मान दिखाई दिता फोटो, एक दिन फोटो खिचाउण आया। किथे सी जी? छत्तीसगढ़, आम आदमी पार्टी नूं तगड़ा करन वास्ते छत्तीसगढ़ गया सी। आ मुख्यमंत्री दा काम है? एक रुपये का मुआवजा नहीं आया। दो चैक दिते, 15 अगस्त क्या सी, 15 अगस्त नूं असी चैक देवांगे।
एक दो चेक दिते है, एक तो लिफाफा तुसी टीवी ते देखिया होना, लिफाफे दे उत्ते लिखिया सी 40,000 रुपया, अंदरों निकलिया 4,000 रुपया। लोगों नू ना राशन पहुँचाया, ना फीड पहुँचाई, ना चारा पहुँचाया, ना दवाइयां पहुँचाइया, ना बेड़ियां दित्तियां, ना कोई हथ बांह फड़न वाला आया। जे किसी ने सेवा की थोड़ी अपनी धार्मिक जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, धामी साहब नू मैं बधाई देना चाहना है। इहदा मतलब जुत्तियां खाण वास्ते भी असी ते सेवा करवाउण वास्ते भी असी, सानू छद्दे है। कल्ले इत्थे नहीं, हिंदुस्तान जिथे कोई समस्या आ जाए सब तो अगे जांदी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। आ कोविड होया, करोना होया, घरों निकल देनिया सरकारां भज गईयां, सारे भज गए। जे घरां चों निकले, लंगर सेवा कीती, दवाइयां दी सेवा कीती, अपनी जान नूं ना परवाह करदे होए जे सेवा कीती, तां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ते सारे ओह जिहड़े वड्डे वड्डे दादू वाल वर्गे रोज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक नूं गालां करदे आ, क्यों? ओह चाहुंदे, एजेंसियां चाहुंदियां कि साडा कब्जा हो जाए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते, ते फिर तक कौम असी अपनी मुट्ठी थले रख लांगे, जुत्ती थले रखांगे। आ इन्हां दा सोच आपां फिर भी गल्लां च आ जांदे आ। इस करके मैं थोनों आई बेनती करना चाहना है, पार्लीमेंट का इलेक्शन आ गया, जे तुसी अपनी कौम ते पंजाब नू वापस सही ताकत देनी है ते श्रोमणी अकाली दल थले झंडे थले कट्ठे हो जाओ। जे वापस इन्हां कोले तुसी ताकत दे दित्ती, बर्बाद कर देंगे पंजाब नू, बर्बाद कर देंगे। मैं ज़्यादा समा नहीं लेना चाहुंदा क्योंकि तुसी बहुत देर दे डिग रहे हो, पर मैं इन्ना जरूर कहना चाहुंदा है जिहड़ियां मैं गल्लां कहियां घरे जाके विचार जरूर करियो। आ जिहड़ी सिख कौम है, आ जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल पार्टी है, आ गुरुआं दे दसे होए रस्ते ते चलण वाली पार्टी है, सारे धर्मां दा सत्कार करन वाली पार्टी है, सारे धर्मां नूं कट्ठे जोड़ के भरावां वांगू रखण वाली पार्टी है। आई पार्टी है जो पंजाब ते देश नूं इकट्ठा रख सकती है। दूजियां पार्टियां दा निशाना एक धर्म नूं दूजे नाल लड़ाउणा है, जिहड़ा निशाना साडा नहीं है, साडा इकट्ठे करना है। मैं भाई गुरदीप सिंह खेरा जी भी आए हैं, देखो बंदी सिखां नूं जे छड़ाउणा है तुसीं पार्लीमेंट च साढ़े 13 दे 13 जिता दिओ, देखो की करदे, अपनी पार्टी नूं तगड़ा करदे हो। अकाली दल ही छड़ाएगा, इन्हां दे उम्मीद ना रखियो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।